been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेमिटी न्यूज। तो गाइस, थैनोस को तो सब अच्छी तरीके से जानते हैं और जब से एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी है काफी फैंस हैं, नहीं थैनोस के फैन भी हो गए। जी हाँ, काफी फैंस, क्योंकि लोग आधे से ज्यादा पहले एवेंजर्स के फैन थे बट अब थैनोस के हो चुके हैं। तो फाइनली कल कौन सा पार्ट रिलीज हुआ, थैनोस के हाथ में एक वेपन। बट ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी से ही पहले रिवील्ड हो चुका था, आपको ये वाला पोस्टर तो याद होगा। उसके बाद इसके टॉयज रिलीज करे गए तो उसमें थैनोस का वेपन ऑलरेडी पहले ही रिवील्ड कर दिया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कल कोई वीडियो नहीं बनाया। और फाइनली आपको ये बताने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और बात करते हैं कि थैनोस के पास वेपन होने के साथ साथ उसके पास इन्फिनिटी गॉटलेट है और उसके पास है हमारे इन्फिनिटी स्टोन्स सारे के सारे, तभी थैनोस आधे से ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास सारी चीज तो है। बट थैनोस को एक चीज का काफी दुख होगा, एवेंजर 4 में उसके चिल्ड्रंस, जी हाँ, उसके बच्चे मारे गए सारे के सारे। बस अब उसकी एक ही बेटी बची है, वो है सुपर जायंट, जो कि एवेंजर 4 में धमाका मचाएगी और उसकी एंट्री काफी लाजवाब होने वाली है। पर थैनोस को इस चीज का डर भी है, वो है हमारा थॉर। जी हाँ, थॉर काफी शक्तिशाली हो गया है और थॉर ने अपनी ताकत का नमूना एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में तो दिखाई दिया था उसके शरीर में अपने हथौड़ा मारकर। जी हाँ, बट थैनोस उससे बच निकला। अब थैनोस के पास सिर्फ हेला और सुपर जायंट रह गई है, इन्फिनिटी गॉटलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स रह गए हैं जो कि एवेंजर 4 में लड़ने की मदद करेगी। और देन रही वेपन की बात, तो वेपन भी थैनोस के पास एक अगला हथियार होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यूट्यूब पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर केबल के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।